भारी बारिश और जलजमाव के बाद राजधानी पटना और आसपास के इलाके में बीमारियां तेजी से पांव पसारने लगी है। समय बीतने के साथ ही प्रदेश में डेंगू का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। महज एक दिन में डेंगू के 177 नए मरीजों की पहचान हुई है, जबकि चिकनगुनिया के 17 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों की माने तो पटना में रविवार को डेंगू मरीजों की संख्या 1135 थी, जो सोमवार को बढ़कर 1273 हो गई। इसी तरह रविवार को चिकनगुनिया के 124 रोगी सरकारी अस्पतालों में इलाज करा रहे थे, इनकी संख्या बढ़कर 139 हो गई है। डेंगू और चिकनगुनिया मरीजों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार कवायद में जुटा है। विभाग का दावा है कि अकेले पटना में डेंगू और चिकनगुनिया के मच्छरों के लड़वा को नियंत्रित करने के लिए सिंथेटिक पैराथ्राइड का छिड़काव, टेक्निकल माथालियान फॉगिंग कराई जा रही है। पटना के साथ ही प्रदेश के दूसरे जिलों में भी स्वास्थ्य विभाग, मलेरिया विभाग, जिला प्रशासन के सहयोग से अभियान चला रहा है। आपको बता दें चले कि सरकार की ओर से बीमारियों से निपटने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। राजधानी में 22 शहरी स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा 26 विशेष स्वास्थ्य कैंप भी लगाए जा रहे हैं, जहां पर मरीजों को हर सुविधा दी जा रही है। वहीं किसी को परेशानी न हो इसके लिए भी स्लम बस्तियों के आसपास शिविर लगाए गए हैं। आपको बता दें चले कि दीघा विधायक संजीव चौरसिया भी डेंगू की चपेट में आ गए हैं। विधायक को रविवार की रात से ही बुखार आ रहा था। सोमवार की शाम जांच में विधायक को डेंगू होने की पुष्टि हुई है। डेंगू और चिकनगुनिया की जांच में हर दिन चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आ रहा है। प्रभावित इलाकों में हड़कंप मचा हुआ है। निजी अस्पताल व नर्सिंग होम में इलाज करा रहे हैं। सोमवार को डेंगू के 80 नए मरीज सामने आए। 20 मरीजों को चिकनगुनिया होने की पुष्टि हुई है। NMCH के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में हुई मरीजों की जांच में 35 की डेंगू रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई। RMRI द्वारा आलमगंज पैठान टोली स्थित उर्दू मध्य विद्यालय नरकट घाट में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया है। आपको बता दें चले कि डेंगू और चिकनगुनिया वायरस देश के अन्य महानगरों में भी फैला हुआ है, लेकिन इस वक्त बिहार में यह सबसे ज्यादा हावी है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि इससे बचने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। आपको बता दें चले कि आपको डेंगू और चिकनगुनिया से बचना है तो कुछ नियमों का पालन जरूर करें। प्रायः डेंगू का मच्छर दिन के समय काटता है, इसलिए दिन में मच्छरों के काटने से खुद को बचाएं। बारिश के दिनों में फुल शर्ट ही पहने, पाँव में जूते जरूर पहने, शरीर को कहीं से भी खुला ना छोड़े ताकि मच्छर आपको काटे। घर के आसपास या घर के अंदर कहीं भी पानी को जमने ना दे। कूलर, गमले, टायर इत्यादि में जमे पानी को आप तुरंत बहा दें। कूलर में यदि पानी है तो इसमें किरासन ऑयल डालें, जिससे कि मच्छर पनप ना पाए। मच्छरदानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और मच्छरों को दूर करें। पानी की टंकियों को सही तरीके से ढककर रखें ताकि उनमें मच्छर अपना लाड़वा न दे सके। यदि आपको डेंगू हो गया है तो यह परहेज करते रहे, जिससे आपके शरीर का वायरस दूसरों तक न पहुँचे। सबसे पहले नजदीकी डॉक्टर से आप सहायता लें और खून में प्लेटलेट्स की जांच करवा लें। उपचार का मुख्य तरीका सहायक चिकित्सा देना ही है। रोगी को लगातार पानी देते रहे, नहीं तो शरीर में पानी की कमी हो सकती है। नसों के जरिए भी रोगी को तरल पदार्थ दिया जाता है। रोगी के खून में यदि प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाए या फिर रक्तस्राव शुरू हो जाए तो खून चढ़ाना भी पड़ सकता है। अगर आपको डेंगू हो भी जाता है तो खुद से कोई भी दवा ना ले, क्योंकि यदि आपने गलती से एस्पिरिन या कोई और गैर स्टेरॉइड दवा ली तो रक्तस्राव बढ़ सकता है। इसी के साथ ही साधारण पैरासीटामोल रोगी को देने में कोई हर्ज नहीं है। इस तरह आप डेंगू और चिकनगुनिया से बच सकते हैं। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।